हेलो फ्रेंड्स, डिस्कस करेंगे अल्कोहल को कूलिंग वाटर सिस्टम के बारे में। अल्कोहल को कूलिंग वाटर सिस्टम जानने से पहले इसमें लगे कंपोनेंट्स के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे एक पंप लगाया, ये लेफ्ट बैंक की तरफ जा रहा है, राइट बैंक की तरफ जा रहा है। फिर इधर एक राइजर पाइप है, सिलेंडर हेडर, लेफ्ट हेडर, राइट हेडर। एक बबल कलेक्टर है, लेफ्ट रेडिएटर है, राइट रेडिएटर। तो चलिए शुरू करते हैं। अल्कोहल को कूलिंग वाटर सिस्टम, इसका मेन उद्देश्य ये है कि इंजन ब्लॉक तथा ल्यूब ऑयल से हीट को एब्जॉर्ब करता है तथा एग्जॉस्ट गैस के कारण जो टर्बो सुपर चार्जर गर्म होता है उसको ठंडा करता है, और आफ्टर कूलर में सुपर चार्ज एयर को भी ठंडा करता है वाटर के द्वारा। अब कूलिंग वाटर द्वारा एब्जॉर्ब किया हुआ जो हीट होता है वो रेडिएटर के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो इसमें कौन सा वाटर यूज किया जाता है? नॉर्मली डिस्टिल्ड वाटर यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए अपना एक एक्सपेंशन टैंक लगा है। एक्सपेंशन टैंक जो होता है वो लोगों के रूफ पे होता है, ऊपर छत पे लगा होता है रेडिएटर फैन के पास। ये प्रेशर कैप है, एक्सेस प्रेशर होगा उसको रिलीज करने के लिए यहाँ पे दिया गया है। एक वेंट पाइप दिया गया है, ये देखिए वेंट पाइप जो है एक्सपेंशन टैंक से कनेक्टेड रहता है, जो स्टीम होता है उसको बाहर एग्जस्ट करने के लिए, स्टीम का वेंटिंग के लिए वेंट पाइप दिया गया है। देखिए यहाँ पे एक पंप दिया गया है। नॉर्मली ये पंप गियर ड्रिवन होता है, जो क्रैंकशाफ्ट गियर से चलता है। इसका लोकेशन जो होगा लेफ्ट साइड इंजन फ्री एंड होता है। कूलिंग सिस्टम में वाटर को सर्कुलेट कराता है। यहाँ पे देखेंगे एक पंप के पास टेल टेल पाइप लगा है, जो वाटर और ऑयल में डिफेक्ट को पहचानने के लिए पंप के नीचे लगा होता है। जब कभी डिफेक्ट, जैसे ही हमारा इंजन स्टार्ट होता है तो हमारा पंप भी स्टार्ट वर्किंग स्टार्ट करता है। पंप क्या करता है, इधर इनलेट से, अभी ये पोर्शन छोड़िए, ऐसे चलेंगे हम, इस तरह आएंगे। पंप जो है यहाँ से सक्शन वाटर को सक करता है, फिर इधर राइट बैंक और इधर लेफ्ट बैंक में चला जाता है। वहाँ पे सबसे पहले ये सिलेंडर, सबसे पहले कूलिंग वाटर जो होता है इंजन ब्लॉक में जाता है, फिर वहाँ से सिलेंडर हेड, जंपर पाइप, सिलेंडर का जो कैविटी होता है, राइजर पाइप, कॉमन वाटर हेडर, सभी को ठंडा करते हुए, कूलिंग करते हुए ये इधर से आके राइजर पाइप से होते हुए लेफ्ट रेडिएटर और राइट रेडिएटर में चला जाता है। लेफ्ट बैंक से जाएगा वो लेफ्ट रेडिएटर, राइट बैंक से जाएगा वो राइट रेडिएटर में चला जाता है। राइटर में जो वाटर गया ये सबको कूलिंग करते हुए वो थोड़ा हीट हो गया, हीट होने के कारण उसमें बबल बन जाता है। तो वही बबल तोड़ने के लिए यहाँ पे दो बबल कलेक्टर लगाए गए हैं। राइट हेडर से जो वाटर जाएगा वो इस बबल कलेक्टर से होते हुए, और लेफ्ट हेडर से जो जाएगा वो इस बबल कलेक्टर से होते हुए नीचे, ध्यान से देखिए, राइट हेडर से जो आएगा बबल कलेक्टर होते हुए ये इधर आ कर के लेफ्ट रेडिएटर में जाएगा। मतलब राइट हेडर से जो आ रहा है वो लेफ्ट रेडिएटर को जा रहा है। फिर इधर देखिए जो लेफ्ट रेडिएटर से आ रहा है वो इधर आते हुए राइट रेडिएटर में जा रहा है। ठीक है, जो राइट हेडर से आ रहा है वो लेफ्ट रेडिएटर में, और लेफ्ट रेडिएटर से जो वाटर आ रहा है वो राइट रेडिएटर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक टेम्परेचर मैनिफोल्ड लगाया गया है। इसका काम यह है, यह क्या करता है, वाटर लेवल का, वाटर का टेम्परेचर सेंस करके माइक्रो प्रोसेसर को भेजता है, माइक्रो प्रोसेसर को भेजता है, और वहाँ से हमारे कैब में वाटर लेवल टेम्परेचर शो करता है। सेफ्टी पर्पज़ के लिए लगाया गया है। यहाँ पे देखिए एक्सपेंशन टैंक है, कंपनसेशन टैंक है, जिसमें वाटर स्टोर रहता है। पंप सक करता है तो लेफ्ट रेडिएटर, राइट रेडिएटर और एक्सपेंशन टैंक तीनों तरफ से वाटर फ्लो होता है। तो जैसे लेफ्ट रेडिएटर से जो वाटर आएगा, राइट हेडर से होते हुए लेफ्ट रेडिएटर के पास जो वाटर है वो फिर इधर आकर के ऐसे, देखिए ध्यान से, ये हो करके ल्यूब ऑयल कूलर से होते हुए, ल्यूब ऑयल जो में जो हीट है उसको एब्जॉर्ब करते हुए वो क्या है, इधर की तरफ पंप के पास जाता है। अब राइट रेडिएटर में जो है वाटर जो लेफ्ट हेडर से आया है इस तरह से, वो इधर से आते हुए ये ऐसे आकर के आफ्टर कूलर के पास जाता है।
आफ्टर कूलर से जो में जो हीट है उसको एब्जॉर्ब करते हुए फिर ये इधर पंप के सक्शन साइड आ जाता है, और एक ये इधर से एक्सपेंशन टैंक से वाटर आता है। तो इसको हम तीनों तरफ से आ रहा है ना, तो इसको हम लोग जंक्शन पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जंक्शन पॉइंट। एक तो लूब वेल कूलर का आउटलेट हो गया, दूसरा राइट रेडिएटर का आउटलेट हो गया यहाँ पे, और तीसरा जो होगा वो सक्शन पाइप है। तो तीनों को मिला के एक जंक्शन पाइप होता है। आफ्टर कूलर में क्या होता है, जो सुपरचार्ज्ड एयर को वाटर सर्कुलेशन से ठंडा करते हैं। जो आफ्टर कूलर में जो सुपरचार्ज्ड एयर है उसको वाटर सर्कुलेट ट्यूब के द्वारा करा करके उसको ठंडा किया जाता है। फिर ये पंप के पास जाएगा, पंप वर्किंग करेगा, फिर ये राइट बैंक और लेफ्ट बैंक की तरफ जाएगा, वाटर जाएगा। फिर ये दोनों तरफ जा करके इंजन ब्लॉक, इंजन लाइनर, जंपर पाइप, सभी राइजर पाइप, बैंक का लेफ्ट हेडर और राइट बैंक का राइट हेडर के पास जाएगा। अब कुछ हीट ये इधर जाने के कारण थोड़ा हीट, वाटर हीट हो गया होगा, तो उसमें बबल क्रिएट हो गया होगा, तो बबल तोड़ने के लिए बबल कलेक्टर लगाया गया है। तो इधर से बबल कलेक्टर बबल को फॉर ब्रेक करेगा, फिर इधर से राइट हेडर का जो है ये लेफ्ट रेडिएटर के पास, और लेफ्ट हेडर का जो है वो राइट रेडिएटर के पास चला जाएगा। फिर उसी तरह सक जब इंजन वर्क करेगा तो ये पंप के थ्रू सक्शन इधर से होते रहेगा, ये ऐसे आएगा ऐसे ऐसे, फिर इधर से ये इधर से होते हुए लूप वेल कूलर होते हुए इधर इधर से ये आते हुए यहाँ पे आएगा। यहाँ पे देखिए एक वेंट पाइप दिया गया है, जो राइट रेडिएटर, लेफ्ट रेडिएटर, कंपनसेटिंग टैंक, एक्सपेंशन टैंक, सभी के अंदर एक दूसरे से अटैच है। ये क्या करेगा, ये पाइप के थ्रू जो वाटर फ्लो होगा तो स्टीम क्रिएट होगा, तो उसे स्टीम को बाहर एग्जॉस्ट में निकालने के लिए ये यूज करते हैं। तो मेन कूलिंग वाटर सिस्टम का काम यही था कि इंजन ब्लॉक, ठीक है, ये इंजन ब्लॉक है, ल्यूब वाल्व तथा आफ्टर कूलर, तीनों में जो हीट है वो हीट को एब्जॉर्ब करना, ताकि हमारा इंजन जो है नॉर्मली वर्क कर सके। अपना कंपनसेटिंग टैंक है, लेफ्ट रेडिएटर, राइट रेडिएटर, तीनों जो है ये तीनों अपना रेडिएटर रूम में रहता है। रेडिएटर रूम में रहता है। फिर हमारे पास ल्यूब वेल कूलर है, ल्यूब वेल कूलर जो है ये भी रेडिएटर रूम में रहता है। अपना एक्सपेंशन टैंक है, ये टॉप मोस्ट लेवल ऑफ रेडिएटर रूम रहता है। बबल कलेक्टर इंजन रूम में रहता है। टेम्परेचर मैनिफोल्ड जो होता है वो कंप्रेसर रूम में रहता है।